पहुँचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, डगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, अ नेम टू ट्रस्ट अपॉन, दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल ब्रिंग्स वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इन दरभंगा, एकमी घाट बल्लोपुर लहेरिया सराय दरभंगा, एडमिशन ओपन। अवेल द बेस्ट डेंटल डिजिटल डायग्नोसिस फर्स्ट टाइम इन बिहार, किम्स सीबी सिटी सेंटर, किम्स डेंटल स्पा, ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी ऑन 28 फरवरी इन फ्रंट ऑफ मिथिला बनर्जी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2024-25। दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णता अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, प्री नर्सरी टू क्लास 10th, वीआईपी रोड अललपट्टी दरभंगा। आपके बच्चों का चौमुखी विकास, मतलब होली मिथिला इंटरनेशनल स्कूल, क्लास प्ले टू 10+2, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम, पोस्टल फैसिलिटी अवेलेबल, नियर SDO रेसिडेंस, खाजा सराय लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन 2024-25। एडमिशन ओपन इन ऑल आवर 5 ब्रांचेस, नन्ही दुनिया प्ले स्कूल, पुअर होम राजकुमारगंज, मसरफ बाजार रामबाग किला, मिथिला कॉलोनी लक्ष्मी सागर एंड लक्ष्मी सागर रोड नंबर 5, हरियप सीड्स आर लिमिटेड। मिथिलांचल में 10 वर्षों से IIT और मेडिकल में बेस्ट रिजल्ट देने वाला एकमात्र संस्थान, बिहार की बेस्ट फैकल्टी टीम, बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा। 10th से 11th में जाने वाले बच्चों के लिए 4 अप्रैल से लीडर बैच, IIT, जी और नीट की तैयारी के लिए। मुंगेर में कोर्ट का बड़ा फैसला, पोक्सो एक्ट में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, 25,000 का अर्थदंड भी। मुंगेर से यह बड़ी खबर है, जहां कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है। पॉक्सो एक्ट के 4 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 4 आरोपितों को यह सजा सुनाई है, साथ में 25,000 का आर्थिक दंड भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौधरी ने पॉक्सो एक्ट के मामले में 4 लोगों को, आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा और 25,000 का अर्थदंड लगाया है। विशेष लोक अभियोजक प्रीतम कुमार ने बताया कि नया राम नगर थाना क्षेत्र के फरदा गांव में 5 अगस्त 2021 को अंधविश्वास में आकर 4 आरोपितों ने मिलकर एक 8 वर्षीय बच्ची की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी थी तथा उसकी आंख और हाथ पैर का नाखून निकाल लिया गया था। इस मामले में पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने 4 आरोपितों को आज सजा के बिंदुओं पर सुनवाई करते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड भी लगाया। मुख्य आरोपित दिलीप चौधरी की पत्नी बीमार रहा करती थी। दिलीप के मित्र ने पत्नी को बीमारी से मुक्त कराने के लिए उसे खगड़िया के तांत्रिक परवेज से मिलने की सलाह दी। जब दिलीप तांत्रिक परवेज से मिला तो उसने उसे एक ऐसी बच्ची के अंग और खून लेकर पूजा करने को कहा जिसकी उम्र 13 वर्ष से कम हो। इसके बाद दिलीप चौधरी ने अपने दोस्तों से यह बात बताई। इस पर दिलीप के दोस्तों ने उसे बच्ची मिलने की बात कह बुलाया। इसके बाद सभी लोग मिलकर बच्ची को तनवीर आलम के मुर्गा फॉर्म में बंद कर दिया तथा देर रात सभी ने मिलकर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी। इसके बाद उसका आंख निकाल लिया तथा तांत्रिक के निर्देशानुसार पूजा की।